आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ यार। मैं बनाऊँ क्या? सुबह निकल जाती हूँ मैं, उसके बाद फिर शाम को आती हूँ, मुझे पूरे दिन मैं काम पे अपने रहती हूँ, आने के बाद फिर वही खाना बनाने का रूटीन, फिर जाने से पहले भी, ऑफिस जाने से पहले वही सेम रहता है। तो मैं सोची कि मैं दिखाऊँ क्या, मेरे पास कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, तो आज मैंने ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी कि चलो थोड़ा बहुत जो भी है वही दिखा लेते हैं। तो आज सुबह मैं कलेजी आया था, मॉम लोग आए हुए हैं, तो ये सारा चीज़ वो मॉम ने ही किया था, बाकी मैं बस उसको बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने। तो यहाँ पे मैंने बस बनाया है कलेजी रोटी, और बस यहाँ पे कुछ बोलने का हो नहीं रहा था मुझे, क्योंकि बाहर में अब्बू बैठे हुए थे। मैंने कोशिश की बनाने की लेकिन हुआ नहीं, तो मैंने बस थोड़ा सा इधर उधर से ये करके फिर मैंने वो चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद मैंने सोचा ये आपको दिखा देते हैं। तो मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, कलेजी और रोटी, और बाहर सबको दे दिया था, और अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का, जब मैं अपने लिए लंच तैयार कर रही हूँ। तो लंच में मैंने बस ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था, पराठा एंड अम्मी अब्बू के लिए वो घी वाले पराठे बनाए थे, और आरिफ के लिए बाकी मैंने अपने लिए सादे से पराठे सिर्फ लंच में डालने के लिए बनाए थे। तो दो तरह के मैंने पराठे बनाए थे, ये देखो आप लोग, ये सारे थे, उन लोगों को चाय में वो लोग खाएंगे, और अंडा पराठा ये सब तो इसीलिए मैंने बनाया था। उसके बाद जो कीमा बनाया था ना सुबह में, तो वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो ये है कीमा। तो मैंने अपने लिए कीमा पराठा रखा, और ये थी भाजी आलू की और गोभी की। तो ये मैं लाई थी परसों खरीद करके, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दी। तो मैंने एक कप भी लाया था, वो छोटा सा बहुत प्यारा सा था, वो मैं नहीं, तो प्याला मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और ये है शाम की वीडियो, जब मैं वापस ऑफिस से घर जा रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं पूरी की पूरी गीली हो गई थी, बट क्या करें, रास्ते से अचानक से बारिश शुरू हो गई। उसके बाद फिर हो गया है नेक्स्ट डे। तो ये वीडियो है आज सुबह का। तो ये मैं यहाँ पे बस नाश्ता बनाने के लिए आई थी, मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्या बात करूँ आप लोगों से, क्या दिखाऊँ, तो मैंने फटाफट से ये तैयारी कर ली थी आलू के पराठे बनाने की। तो मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, आलू का पराठा आज नाश्ते में बना दिया है। मैं खाना वाना कुछ भी बना के नहीं आ पाती हूँ, अम्मी अब्बू सब घर पर ही, मतलब खुद ही बनाते हैं, अम्मी बनाती हैं खुद ही, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो ये रात में मैंने बिरयानी बनाया था, तो आज मैं लंच में वही लेके आ गई। और ये है स्वीट, मैं आप लोगों को इसका वीडियो पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो ये वही स्वीट है। आप लोग बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आजकल बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है मुझे व्लॉग शूट करने का, क्योंकि मैं सुबह निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए, और सुबह में जो भी काम होता है वो मैं आप लोगों को दिखा दिया करती थी, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही काम है ऑफिस में, तो मैं सुबह जल्दी निकल आया, कभी 8 बजे निकल जाती हूँ, कभी 9 बजे निकल जाती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह में कुछ काम वाम ऐसा कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मैंने अभी जो भी किया है वो मैंने आज आपको दिखाया है। ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैंने आप लोगों को एक साथ ही अटैच करके दिखा दिया है, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं मिलता ना कि मैं अलग अलग व्लॉग को ये कर सकूँ, एडिट कर सकूँ, फिर उसको अपलोड कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही साथ ये कर देती हूँ। फिलहाल मैं अभी ऑफिस में हूँ, आज ऑफिस आ चुकी हूँ मैं, अभी आज मैं टाइम पर आई, मतलब टाइम जैसे रेगुलर टाइम रहता है वैसे आई हूँ, पहले नहीं आई हूँ मैं, तो इसलिए आज मैं 10:30 में आ गई थी मैं इधर। तो फिलहाल मैं अब अपना काम शुरू करूंगी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।